हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप सब कैसे हो? दोस्तों आज के वीडियो में आपके काफ़ी डाउट को मैं क्लियर करने वाला हूं। जैसे कि आपको पीछे दिख ही रहा है सामने कि स्कूल कॉलेज कब खुलने वाला है, ये तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूँ कि फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट है उनके रिलेटेड कुछ अपडेट आया, उनके रिलेटेड कुछ डिसीजन आया है, कंपल्सरी मतलब डिसीजन है क्या उनका, वो बताने वाला हूँ। साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूँ कि जो हमारे ट्विटर अकाउंट पे पॉलिटिकल वॉर चल रहा है उसका क्या है, और ये भी बताऊंगा कि एंट्रेंस एग्जाम को लेके कि एंट्रेंस एग्जाम कब से कब तक के होने वाले हैं। तो मतलब इस एक वीडियो में आपके काफी कुछ आपको पता चलेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को चालू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि वीडियो चालू करने के पहले ही आपको मैंने बता दिया था कि जो हमारे अपना जो हमारा स्कूल कॉलेज है वो 15 अगस्त से चालू होने वाले हैं, और साथ ही साथ जो हमारे शिक्षा मंत्री है, संसाधन मंत्री है रमेश सर, ठीक है, इन्होंने कहा है, इन्होंने ही अनाउंस किया हुआ है दोस्तों। और इधर मैं आपको नीचे भी दिखा देता हूँ, और ये आज तक का न्यूज़ है, जो आज ही का ही न्यूज़ है दोस्तों। तो दोस्तों मैं थोड़ा इधर नीचे ले लेता हूँ एंड देन आपको ये बता देता हूँ दोस्तों कि इधर लिखा हुआ है रमेश सर ने, रमेश पोखरियाल सर ने, कि जितने भी छात्र के माता पिता है मतलब उनके जो पेरेंट्स है वो टेंशन ना ले, बहुत ही जल्द से जल्द कॉलेज स्कूल चालू होने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद नीचे भी लिखा हुआ है कुछ, उसके बाद फिर मैं दोस्तों मेरा ओपिनियन बोलने से पहले तो मैं रहूंगा नहीं, मैं जरूर मेरा ओपिनियन भी बोलूंगा जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट से रिलेटेड होगा इसी ये पैराग्राफ के बाद, क्योंकि इस पैराग्राफ में ही उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जितने भी छात्र के अभिभावक है, ठीक है, मतलब पेरेंट्स है, उन सभी को इन्फॉर्म वो कर रहे हैं कि स्कूल कॉलेज बहुत जल्द ही चालू हो जाएंगे अगस्त 2020 में, और कब से चालू होंगे 15 अगस्त के बाद हर स्कूल कॉलेज चालू हो जाएंगे। मतलब आप लोगों का फिर से कॉलेज स्कूल 15 अगस्त से चालू कर दिया जाएगा, आप फिर से एक बार कॉलेज और स्कूल जा सकते हो। तो ये अच्छी बात है, वेरी गुड कि सब दोस्त यार से मिलने का मौका मिलेगा, अपनी स्टडी करने का मौका मिलेगा। लेकिन मैं रमेश सर को एक ही चीज बोलूंगा कि सर कॉलेज स्कूल चालू करने के पहले जो हमारे महाराष्ट्र के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके रिलेटेड तो डिसीजन ले लीजिए, उनको तो अपडेट दे दीजिए कि उनको पास करने वाले हैं कि नहीं पास करने वाले हैं, उनको प्रमोट करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं, कि एग्जाम लेने वाले फाइनल ईयर के स्टूडेंट को लेके एक ऑफिशियली नोटिस जारी कर दिया जाए कि उनका एग्जाम होने वाला है कि नहीं होने वाला है। बिकॉज ये सब जो पॉलिटिकल चल रहा है इस समय, तो स्टूडेंट खुद ही उससे अकेला फाइट कर रहा है। तो मेरा तो यही रहेगा जो दोस्तों मैं आपको बोल रहा था फाइनल ईयर के डिसीजन को लेके, तो अब तक कोई ऑफिशियली नोटिस नहीं आया, और इसके रिगार्डिंग सिर्फ एक ही पर्सन फाइट कर रहा है, वो है मासूम। और दोस्तों मैंने मासूम से, महाराष्ट्र स्टूडेंट यूनियन से पर्सनली बात भी किया हूँ दोस्तों, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसी वीडियो में। दोस्तों अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र स्टूडेंट यूनियन अपने तरफ से फुल सपोर्ट कर रहा है जितने भी स्टूडेंट है दोस्तों। जैसे कि इधर आपको दिख रहा है मैंने मासू लिखा हुआ है, एडवोकेट सिद्धार्थ से दोस्तों मैंने इनसे पर्सनली फोन पे कई टाइम बात किया, और इन्होंने मतलब काफी अच्छे पर्सन है, बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं। एंड दोस्तों मैं पहले तो उन मेरे सब्सक्राइबर को थैंक यू बोलूंगा, दोस्तों थोड़ा टाइम ले रहा हूँ उसके लिए सॉरी, उन सभी सब्सक्राइबर को थैंक यू बोलूंगा जिन्होंने मुझे कमेंट करके मेरे यूट्यूब चैनल पे उन्होंने मुझे बोला था सर आई सपोर्ट मासू, मतलब जितने लोगों ने सपोर्ट किया था, जितने लोगों ने बोला था सपोर्ट महाराष्ट्र स्टूडेंट यूनियन, उन सबको रियली दिल से थैंक यू सो मच। बिकॉज मैंने वो सभी के कमेंट भी सर को दिखाए थे, सर ने उसके लिए अप्रिशिएट किया था, ठीक है, और काम को भी उन्होंने काफी अप्रिशिएट किया। फिर बाद में उन्होंने मुझे एक ये लेटर भी सेंड किया जिसके रिलेटेड दोस्तों मैंने वीडियो बना दिया है कि उन्होंने महाराष्ट्र अपना जो यूनियन है उन्होंने जो हमारे गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र उनको लेटर लिखा था, उसका वीडियो आपने नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या तो वीडियो के एंड में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। साथ ही साथ ये जो लेटर लिखा हुआ था दोस्तों ये न्यूज में भी आ गया है, मतलब न्यूज़पेपर में भी इसका छप चुका है, न्यूज में भी न्यूज़पेपर में इसका आर्टिकल आ चुका है। और चलिए दोस्तों हम अपने फिर से टॉपिक पे चले जाते हैं, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मैं काफी आप लोगों के लिए हर जगह बात करके इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों रियली कोई एक और जेन्युइन अपडेट अब तक नहीं आ रहा है। दोस्तों मैं मेरे तरफ से आप लोगों को हर एक अपडेट देने की कोशिश कर रहा हूँ, जब तक अपडेट दे पाऊंगा दोस्तों मैं देता रहूंगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर अच्छा लग रहा है ये अपडेट तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अब मैं नीचे आ जाता हूँ,
दोस्तों, अगर आप सीबीसी के स्टूडेंट हो, सीबीएसई के स्टूडेंट हो सॉरी, तो आपके एग्जाम 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक का कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर आप आईसीएससी के स्टूडेंट हो, आईएससी के स्टूडेंट हो, तो आपके परीक्षा को 1 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक का करवाया जाएगा। और अगर दोस्तों आप दोस्तों नीट की एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो या जी की एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, तो अगर आप नीट की एग्जाम दे रहे हो तो आपका एग्जाम 26 जुलाई से लिया जाएगा। अगर जी की दे रहे हो तो 18 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक का आपका एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। अब दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पॉलिटिकल वॉर्स है, वो इस समय खुद स्टूडेंट खुद से कर रहा है। जो मैंने आपको बताया था, जो ट्विटर पे चल रहा है, वो एक नाम है स्टूडेंट लाइव मैटर्स। दोस्तों स्टूडेंट ने खुद ब खुद अभी स्टैंड लिया हुआ है, जो प्रॉब्लम है वो खुद ही शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो दोस्तों इधर आपको दिख रहा होगा काफी कुछ टॉपिक है जो स्टूडेंट खुद मेक कर मतलब बना रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं, लोगों को लेटर लिख रहे हैं, हर एक चीज। और इनको काफी लोग दोस्तों सपोर्ट भी कर रहे हैं, काफी पर्सन इनको सपोर्ट कर रहे हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट कर रहे हैं, एक्टर सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो काफी कुछ। और दोस्तों मैंने रियली इसके रिलेटेड तो मुझे खुद को अच्छा लगा जो स्टूडेंट ने स्टैंड लिया है, काफी लोग सपोर्ट कर रहे हैं और एक से क्रिएटिव थिंग वो बना के ट्वीट कर रहे हैं, लोगों को भेज रहे हैं। और अगर मैंने वीडियो भी देखा है दोस्तों इसके रिलेटेड, जो काफी अच्छा लगा। और देखिए काफी काफी कुछ कर रहे हैं, काफी कुछ वीडियो को एडिटिंग करके लोगों तक पहुंचा रहे, अपनी बातें कर रहे हैं। और दोस्तों ये सिर्फ स्टूडेंट नहीं कर रहा है, स्टूडेंट के पेरेंट्स भी इसके इनके साथ है। स्टूडेंट के पेरेंट्स खुद ये चीज में मना कर रहे हैं एग्जाम को लेके। तो मेरा तो भाई यही डिसीजन है, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है भाई, उनका एग्जाम ना लिया जाए, प्रमोट किया जाए ऐसे सिचुएशन पे। और जो भी डिसीजन है यार, वो जल्द से जल्द लेके सभी स्टूडेंट को बताया जाए कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट का क्या हो रहा है। बिकॉज सबसे ज्यादा डिप्रेस फाइनल ईयर के ही स्टूडेंट है और कोई नहीं है। और दोस्तों रियली अगर आप आके इधर देखोगे तो काफी ऐसे भी वीडियो जिसमें आपको बहुत हंसी आएगी, बहुत मजा आएगा, इंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, मतलब स्टूडेंट की क्रिएटिविटी है वो सब चीजों को लेके। और दोस्तों अगर आपके पास भी ट्विटर अकाउंट है तो प्लीज आप भी जाके इन्हें सपोर्ट कीजिए। आप भी अगर एक स्टूडेंट है फाइनल ईयर के, तो आप भी जाके स्टैंड लीजिए, इनके साथ सपोर्ट कीजिए कि आपके एग्जाम ना हो, और जो चाहते हैं एग्जाम हो वो भी सपोर्ट करे, जो जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा वैसा होगा। दोस्तों थैंक यू सो मच। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।